बताइए कि आज शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? नैतिक मूल्यों का ह्रास होना शिक्षा जगत में ये तो स्वाभाविक चीज है, नेचुरल चीज है, क्योंकि जिसे हम शिक्षा कहते हैं आज के दिन में वो तो शिक्षा रहनी है। आज लोगों के दिमाग में, राजनेताओं के दिमाग में, समाज नेताओं के दिमाग में एक ही धारणाएं बैठी हुई है, आक्षरिक ज्ञान। आक्षरिक ज्ञान माने लिटरेरी नॉलेज। आप स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, सिर्फ और सिर्फ अक्षर ज्ञान की ही चर्चा होती है। मतलब कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है, शिक्षा इसी में सीमित रह गई है। लेकिन शिक्षा का जो वास्तविक भूमि है सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है। आज वर्तमान समाज में जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे इंडिया में कहिए और वर्ल्ड में, वो मैकॉले का शिक्षा व्यवस्था है। मैकॉले का शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से भौतिकवादी विचारधाराओं से प्रभावित है, मैटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी यही किन मैकल एजुकेशन व्यवस्था है। भौतिक जगत में बहुत विकास हुई है, उन्नति हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है, न ही कोई दुविधा है। लेकिन ये हुआ कैसे? आप लोग ताड़ का बीज तो देखे हैं ना, ताड़ का बीज को अगर आप मिट्टी के नीचे महीना दो महीना रख देंगे, तो कोई भी बीज को रखते हैं तो स्प्राउट शूट करता है, अंकुर निकलता है। वो अंकुर निकलते धीरे 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 बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। लेकिन उसके बाद मिट्टी के अंदर उस बीज को देखेंगे, देखेंगे खोखला हो गया। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है एग्जैक्टली वो ताड़ के खोखला बीज जैसा है। मनुष्य को भौतिकता के पीछे इतना दौड़ाया है, जिस तरह से एक पागल कुत्ते को, पागल कुत्ता क्यों, कुत्ते को रोटी दिखा दिखा कर भगाया जाता है। आप रोटी दिखाते दिखाते किलोमीटर चले जाओ, वो कुत्ता पीछे पीछे आपके भागेगा। आज की वर्तमान जो व्यवस्था है भौतिकवादी व्यवस्था इंसान को क्या दिखाता है? रुपया, पैसा, बंगलो, घर, बाड़ी, कार, शादी, विवाह, इसके अलावा जीवन के दूसरे पहलू को टच तक नहीं करता है। घर, बंगलो, कार, गाड़ियां के अलावे भी मनुष्य जीवन के बहुत बड़े एक क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र को कहा जाए अंतर जगत, आध्यात्मिक जगत, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मानविक मूल्य, ये सारे सब अभाव हो चुका है, क्योंकि अंदर तो खोखला हो गया है। इस शिक्षा व्यवस्था में मनुष्य को मनुष्य रखने का कोई प्रावधान नहीं है। मनुष्य को पशु के तरह भगाए जाओ, भगाए जाओ। 2400 घंटे मनुष्य को इस तरह से व्यस्त रखो कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन, समाज जीवन के बारे में सोचने तक का समय न मिले। ये है हमारा समाज व्यवस्था, ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था। इसके एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। द कैपिटलिस्टिक मैटरियलिस्टिक एजुकेशनल सिस्टम, जो कि मनुष्य को कंप्लीटली भी बदतर दिन पर दिन बनाया जा रहा है। इसलिए इस पर एक पूर्ण विराम लगाना जरूरी है, और पूर्ण विराम लगाने के लिए शिक्षा को कंप्लीट मॉडिफाई कर देना होगा। वो मॉडिफिकेशन
भौतिकता को त्यागना नहीं है, वो मॉडिफिकेशन भौतिकता से भागना नहीं है, भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ना है, आध्यात्मिक दर्शन को जोड़ना है, भौतिकता के साथ नैतिक मूल्यों को जोड़ना है, मानविक मूल्यों को जोड़ना है। मानविक मूल्य और नैतिक मूल्य अगर वर्तमान में रहेगा तो समाज का विकास और लाखों गुना करोड़ों गुना फास्टर देन द प्रेजेंट सोसाइटी और आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको क्रिएट करना है, इसको जोड़ना है, दोनों को जोड़ के एक संतुलन स्थापित करना है, शरीर के साथ मन का, मन के साथ आत्मा का एक लिंक एस्टेब्लिश करना है, और ये लिंक ही मनुष्य को सर्वात्मक विकास में आगे बढ़ा सकता है। और ये जो जोड़ने का जो तरीका है वही है योग, योग आधारित शिक्षा व्यवस्था। योग कोई रिलीजन नहीं है, योग एक मेथोडोलॉजी है।